तो यार इस साल के वर्ल्ड कप फाइनल के लिए बस एक दिन बच गया है भाई। भैया एक दिन बचा हुआ है, मेरी तो ऐसे दुख दुख हो रही है ना सुबह से भाई यार। मैं को नहीं हो रही भाई, इंडिया डोमिनेंस यार, इंडिया डोमिनेंस जैसे इस टूर्नामेंट में डोमिनेंस करती आ रही है वैसे कल डोमिनेंस करके आराम से हरा देगी ऑस्ट्रेलिया को यार। आप ये कह रहे हैं कि आराम से हरा देगी? आराम से देखिए भैया हमारी तो उम्मीद ही यही है कि आराम से हरा दे, कोई हमें अच्छा मैच चाहिए ही नहीं। क्लोज मैच नहीं चाहिए हमें, वन साइडेड चाहिए, कल का मैच नहीं चाहिए हमें, क्लोज कल का वन साइडेड मैच चाहिए। इंडिया क्रिकेट अच्छा चाहिए ही नहीं, इंडिया टॉस जीत कर 450 मार दे और 60 रन पे ऑल आउट कर दे ऑस्ट्रेलिया को। मतलब नहीं है, पिच बदलो, टॉस दूर फेंक दो, बॉल में चिप लगा दो, बैट में स्प्रिंग लगा दो, पर ये मैच जीतना है भाई। जीतेंगे यार, मैंने कह दिया जीतेंगे जीतेंगे, उम्मीद तो है। बट अगर टूर्नामेंट पे आ जाए सीधा सीधा तो ऑस्ट्रेलिया लगातार 8 मैच जीत के फाइनल आ रहा है और इंडिया 10 के 10 मैच जीता है फाइनल में आने के लिए। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात कर देना तो ऑस्ट्रेलिया की यार एक बात है ना, वो फाइनल में आके उसका हरामीपना शुरू हो जाता है। अब नॉकआउट में सेमीफाइनल्स और फाइनल में उन्हें एक्सपीरियंस भी बहुत है और 2015 में जो उनकी टीम जीती थी वर्ल्ड कप उसमें से 5-6 प्लेयर हैं जो इस साल भी वर्ल्ड कप में जो फाइनलिस्ट और हर एक प्लेयर में जो मतलब इससे मैं उनको गाली नहीं दे रहा हूं पर हर एक प्लेयर बहुत कुत्ता है, हरामी, एक नंबर का हरामी है भाई। और अगर वार्नर चल गए कल मुझे सीधी बात, वार्नर बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है भाई, वार्नर अगर चल गया कल तो वो कुत्ता बना रहेगा। और सीधी बात है टॉस जीतो पहले बैटिंग करो, सिंपल हमें चेस नहीं देखना है यार, मतलब चेस में किंग है हम बट पहले टॉस जीतो, 400-500 रन लगा दो बोर्ड पे, वन साइडेड मैच कर दो, हमको नहीं चाहिए यार। इंडिया जीतेगी, इंडिया जीत। तो आ जाते हैं सीधा सीधा जो कल के फाइनल और क्या क्या सुर्खियां बटोरी आगे पीछे। तो दोनों टीमों की कैप्टेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा पैट कमिंस थोड़ा से खिलाने के लिए आए इस वर्ल्ड कप के। और रोहित तो यार यू नो रोहित के प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने लायक होते हैं, मजा आता है। तो जो पैट कमिंस ने जो एक बात कह दी है उसको तो कल बताएंगे पैट कमिंस का, तो पैट कमिंस ने कह दिया कि कल क्राउड वन साइडेड ही होगी और हमें पता है, लेकिन इतनी बड़ी क्राउड को साइलेंट कराने में जो मजा है वो किसी और में नहीं, और हम कराएंगे कल, इनको तो मजा दिलाएगा रोहित कल भाई। सिंपल भाई, मेरा तो मन है ना कि अगर मैं भाई फाइनल मैच में होता तो मैं ऑस्ट्रेलिया अगर जीत जाती तो उसको जाने ना देता वापस। अरे भाई अब ये मैं बोलूंगा नहीं, यू नो तिथि देवो भव, तो अगर सीधा सीधा आ जाए फाइनल पे दोनों टीमें स्ट्रॉन्ग लग रही हैं काफी, बट फेवरेट्स अभी इंडिया ही है, मतलब वो इसलिए नहीं कि हम इंडियन है बट इंडिया ही फेवरेट, जितने भी लोगों से जर्नलिस्ट से भी लास्ट विन प्रेडिक्शन देखा गया था तो 33% ऑस्ट्रेलिया, जो कि बहुत होता है मेरे हिसाब से, 33 बहुत है यार, 10% होता है, 67 इंडिया, तो 33 मतलब अच्छा खासा है और हम हल्के में ले ही नहीं सकते। और अगर इनके पिछले मैच पे आ जाएं तो एक कैच अवे थे ये कोहली के मैच जीतने से पैट कमिंस ने कहा, तो पैट कमिंस को मैं बता दूं कि अफगानिस्तान भी एक मैक्सवेल के कैच अवे था आपको हराने के लिए, वो तो भाई इतना उड़ना नहीं है, बहुत ही गंदी फील्डिंग और गंदी बॉलिंग कराई इस वजह से आप जीत गए। हां तो उतना उड़ना नहीं है, ठीक है, नया दिन है, नया मैच है, क्योंकि अगर इंडिया को देख ले तो मिचेल के भी क्रैम्प आया था, हाँ, पर उसको बॉलिंग का हो रही थी दूर। और भाई अहमदाबाद में मैच, और अहमदाबाद में जब लास्ट टाइम वर्ल्ड कप का मैच हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 2011 में जब युवराज सिंह ने धोया था आपको, तो थोड़ा याद रखना वो नहीं। बात तो ये भी है पर मेन बात ये है कि ये एक स्पिनर इंडिया खिला रही है अश्विन को कि नहीं, अगर अश्विन, बट बात यही आ जाती है ना, अगर अश्विन को खिलाएंगे तो उन्हें सिराज को बाहर करना पड़ेगा या तो सूर्य कुमार यादव, और सूर्य कुमार यादव को करेंगे नहीं क्योंकि बैटिंग पूरी खत्म हो जाएगी नंबर 6 की, और अगर सिराज को बाहर करते हैं तो सिराज ने जो 2 साल से टीम इंडिया का बोझ उठाया बॉलिंग का, कोई और बॉलर ओडीआई में बॉलिंग नहीं कर रहा था, दो तीन घंटे दबा के, तो उसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि शायद अश्विन खेल रहे, बट हर प्लेयर प्रैक्टिस करते हैं यार नेट्स में, जैसे रोहित शर्मा ने कहा भी कि हमारे 15 के 15 प्लेयर्स रेडी रहते हैं, मुझे चाहिए वो अवेलेबल चाहिए, हाँ, तो वो सुबह ही मैं बताऊंगा, मतलब कल सुबह ही वो बताएंगे कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है, सब शतक मार दे यार इंडिया की तरफ से।
भाई वैसा ही हो, 400 रन बना दे जैसे सेमीफाइनल में बनाए थे भाई। बट ये तो भाई हम एज अ फैन बोल रहे हैं, अगर स्टैट्स पे आ जाए तो हाई स्कोरिंग मैच मुझे कम लग रहा है। मुझे भी नहीं लगता हाई स्कोरिंग मैच होगा। अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो हाई स्कोरिंग मैच हो जाएगा, अगर इंडिया चेस करती है तो हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा। और हमें हमारे बॉलर्स ने हर मैच जिताया, टू बी ऑनेस्ट 10 के 10 मैच। और कल ये बॉलर्स की ही बैटल है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी बहुत शानदार है। उनके पास वो नाम के टॉप वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं है कि हम टॉप 3 बॉलर्स है वर्ल्ड में, हेजलवुड प्रॉपर बॉलर है भाई, जैसी पिच थी आज पैट कमिंस फोटो वोटो खींच के भी गए, उन्हें भरोसा नहीं है पिच पे, उनको डालना भी है घर पे फोटो, रोना भी तो है मैच हारने के बाद। वो पिच पहले ऐसी थी जब मैंने फोटो खींचा था और पिच के बाद अगर जैसे पिच देखी है इन्होंने तो उस हिसाब से तो फट्टी विकेट होने वाली है। 300-350 हाई स्कोरिंग मैच उन्होंने कहा है, बट कुछ नहीं कह सकते। सुबह पिच बदल गई, जैसे हसन रजा जी कहते हैं कि पिच बदल जाती है, तो वो भी हो सकता है यार। यार बीसीसीआई यार पैसा है हमारे पास, हम पैसा फेंकते हैं, पिच बदलते हैं, हमको चाहिए मैच, वर्ल्ड कप चाहिए अपने घर में, तो हम पैसा फेंक सकते हैं, आपके पास पैसा नहीं है। चलो जोक्स असाइड, हम भाई 10 के 10 मैच बहुत शानदार खेल कर आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि कल का मैच भी हम बहुत शानदार खेलने वाले हैं। और यही बोल सकते हैं हम एज अ फैन की वन साइडेड मैच होगा कल। मुझे पता है आपकी भी बहुत गुस्सा हो रही होगी हमारी तरफ, मेरी तो यार इसकी तो तबीयत खराब हो गई है यार, मेरे को तो फीवर है, कल पता नहीं कैसे देखूंगा मैं मैच, बट कल अगर इंडिया जीत गई तो मैं ठीक हो जाऊंगा एकदम। कल गाइस हम लाइव आ रहे हैं, अगर इंडिया हार गई तो हमारा यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाएगा। ठीक है तो प्रेडिक्शन पे आ जाते हैं, आपको क्या लगता है कौन कल सबसे ज्यादा विकेट लेगा, सबसे ज्यादा रन बनाएगा और कौन सी टीम? मुझे लगता है सबसे ज्यादा विकेट जडेजा लेने वाले हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा रन मेरे हिसाब से दोनों टीम का बताना मिला के। अच्छा, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा रन बनाएंगे विराट कोहली। सबसे ज्यादा विराट कोहली। एंड कौन अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो क्या स्कोर होगा? और अगर इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है तो 350 प्लस स्कोर होगा। और अगर पहले बॉलिंग करती है तो कितने पे खत्म कर देगी? तो आई थिंक 270 तक पहुंच देगी। 270 इनके तो वो है, हवा के है यार ये। अब मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा रन कल रोहित शर्मा जी बनाने वाले हैं और सबसे ज्यादा विकेट लेंगे कल जसप्रीत बुमराह जी। और मैंने कह दिया, और पहले बैटिंग करके 350 आराम से लग जाएंगे। और अगर ऑस्ट्रेलिया दूसरे बैटिंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया 300 छू लेगा। बट मुझे लगता है कि अगर मैं सीधी सीधी बात बता दूं, सच बता दूं, 150 पे ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट होगा। बहुत शानदार क्रिकेट खेला है इस वर्ल्ड कप में, ठीक है। कल का बैड डे की बात होती है, कोई बैड डे, ये सब बातें हैं। बैड डे आना होता तो आ चुका होता, अभी कोई बैड डे नहीं है भाई। फाइनल, और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी है पीली जर्सी के खिलाफ, फाइनल वो कभी हारे नहीं है कहीं पे भी, एज अ सीएसके फैन इन्हें पता है। तो कल भी वो पीली जर्सी के खिलाफ खेलेंगे तो मुझे तो नहीं लगता है हारेंगे। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ यार, न्यूजीलैंड के मैच में भी मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। कुछ लोग डर रहे थे बहुत ज्यादा कि यार न्यूजीलैंड फैंटा मार सकते हैं। मुझे पूरे मैच में कहीं पे भी नहीं लगा था कि न्यूजीलैंड आ सकती है इस मैच में, बहुत रन मार लिए थे इंडिया ने। तो कल के मैच में मुझे यही है, मेरे तो प्रेडिक्शन इंडिया ही है यार। मेरी 110% प्रेडिक्शन इंडिया है, 100% है प्रेडिक्शन। मैं तो कुछ चाहता नहीं हूँ। और मैं ये भी कह देता हूँ, वन साइडेड मैच होने वाला है इंडिया के फेवर में, ठीक है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जरूरी है क्लियर। आप भी अपने प्रेडिक्शन बताओ हमें कमेंट्स में, आपको क्या लगता है कि कितना नेल बाइटिंग मैच होने वाला है या नहीं। और इसी नोट पे एंड करते हैं। हाँ, और आपसे मिलते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे हमने पाकिस्तान के मैच में बोला था कि मैं हंसी खुशी खुशी के आंसू के साथ, ना कि दुख के आंसू के साथ आपसे मिले कल। और ये जीत हम सेलिब्रेट करें। हाँ, बहुत व्यूअर्स आ जाते हैं लाइव में हमारे, और ये जीत हम साथ में सेलिब्रेट करें कल। तो तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। जय हिंद।